अगर आप उद्यमी हैं या किसी नए उद्यम की स्थापना की योजना बना रहे हैं तो आपकी सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र पोर्टल की सुविधा प्रदान की है, जिससे आप आसानी से अलग अलग विभागों में बिना दौड़ लगाए एक ही जगह से सारे अप्रूवल्स ले सकते हैं। उद्यम स्थापित करने के लिए आपको लैंड एनओसी, स्टैंप ड्यूटी और विभिन्न एनओसीज की आवश्यकता होती है, जिसे प्रदान करने के लिए लगभग 27 विभाग निवेश मित्र पोर्टल पर सिंक हैं। हम निवेशकों और उद्यमियों आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कैसे आप अपने उद्यम को निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकृत कर गवर्नमेंट सब्सिडी और सर्विसेज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंटरनेट ब्राउजर में अब ऊपर यूआरएल में niveshmitra.up.nic.in वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन होने के बाद आपकी स्क्रीन पर निवेश मित्र पोर्टल के होम पेज स्क्रीन शो होगी। ऊपर दाईं ओर लॉगिन के बटन पर हमें क्लिक करना है। नीचे हमें रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है, जिससे हमारा उद्यम निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकृत होगा। एंटरप्रेन्योर रजिस्ट्रेशन सेक्शन में हमें अपनी कंपनी या उद्यम का नाम लिखना है। आपको उद्यमी के नाम का पहला भाग फर्स्ट नेम व दूसरा भाग लास्ट नेम में दर्ज करना होगा। नीचे अपनी ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर दर्ज करें। जिस तरह से छोटे बड़े अक्षरों व संख्याओं में वेरिफिकेशन कोड दिख रहा है, इसी तरह दर्ज करें और रजिस्टर पर क्लिक कर दें। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपका पंजीकरण फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको कंट्रोल आईडी या यूजर आईडी प्राप्त होगी। भविष्य में इसी आईडी से आप लॉगिन करेंगे तो इसे सुरक्षित लिख लें। नीचे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से भी पंजीकृत यूजर आईडी व पासवर्ड भेजा गया है, जिसे आप अपनी ईमेल पर जाकर देख सकते हैं। और अब ईमेल पर भेजी गई लिंक पर क्लिक करके ईमेल और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। अब पुनः आप होम स्क्रीन पर आकर लॉगिन पर क्लिक करें। ईमेल पर प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करें, वेरिफिकेशन कोड डालें और लॉगिन पर क्लिक करें। ध्यान दें, पहली बार लॉगिन करने पर आपको अपने पासवर्ड को बदलना होगा। पासवर्ड अपडेट करने के लिए पुराना पासवर्ड जो ईमेल पर प्राप्त हुआ है उसे डालें, नए पासवर्ड को दर्ज करें, दोबारा फिर नया पासवर्ड डालें, वेरिफिकेशन कोड डालें और सबमिट पर क्लिक कर दें। आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक बदल जाएगा और आपके सामने डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहाँ बाईं ओर आपको अपने उद्यम के पंजीकरण के विभिन्न चरण प्रदर्शित हो रहे हैं। मुख्य डैशबोर्ड पर विभागों द्वारा जारी सर्टिफिकेट एनओसी की संख्या, आपने कितने फॉर्म सबमिट किए हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने ऑब्जेक्शन हैं, कितने रिजेक्टेड हैं, कितने फॉरवर्डेड हैं, कितने एप्लीकेशन आपने रिसबमिट किए हैं, कितने आपने ड्राफ्ट में सेव किए हैं, कितने अप्रूव हो गए हैं, कितनों की शुल्क जमा की, कितने प्रोसेस में हैं, ये शो होगा। चूंकि आप पहली बार पंजीकरण कर रहे हैं तो ये आपको शून्य दिखा रहा होगा। अब नई एप्लीकेशन या नए उद्यम के पंजीकरण के लिए आपको बाईं ओर प्रदर्शित फिल कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। आपके सामने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल दर्ज करनी है। यहाँ अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, DOB यानी जन्मतिथि, आपके उद्यम की वेबसाइट अगर कोई हो, पैन नंबर, माता पिता या पति का नाम, आपकी कैटेगरी और जेंडर, ये डिटेल सही सही भरनी है और अब अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दूसरे चरण में हमें अपने कम्युनिकेशन एड्रेस यानी पता भरना होगा। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और एड्रेस में पूरा पता व पिन कोड दर्ज कर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले चरण में परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता भरें। अगर स्थायी पता कम्युनिकेशन एड्रेस एक ही है तो ऊपर सेव एज कम्युनिकेशन एड्रेस के चेकबॉक्स में क्लिक कर दें अथवा स्थायी पते की जानकारी दर्ज कर सबमिट करें। एंटरप्राइज यूनिट डिटेल भरें, इसमें आपको अपने उद्यम की जानकारी दर्ज करनी है। चूंकि आप निवेश मित्र पोर्टल पर पहली बार पंजीकरण कर रहे हैं, आपको यहां न्यू यूनिट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। अब आपको एंटरप्राइज यूनिट की डिटेल इस प्रदर्शित फॉर्म के माध्यम से चरणवार भरनी है। ऐड यूनिट में नेम ऑफ द यूनिट, एंटरप्राइज यूनिट का नाम दर्ज करें। नेचर ऑफ एक्टिविटी में उद्यम किस क्षेत्र में कार्यरत है उसका सिलेक्शन करें। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में आपके उद्यम में सेवारत कर्मियों की संख्या दर्ज करें। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, इंडस्ट्री टाइप, प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, जो भी आपका उद्यम है जिसकी आप शुरुआत कर रहे हैं या शुरुआत कर चुके हैं, उसकी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल डेट जो है उसको यहाँ दर्ज करें। यूनिट की कैटेगरी,
और नीचे उद्यम का एस्टिमेटेड एनुअल टर्नओवर अंकित करें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इसी तरह दूसरे और तीसरे चरण में लोकेशन ऑफ द यूनिट, ऑथराइज पर्सन की डिटेल भरें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। चौथे चरण में आपको ऑथराइज पर्सन जिसकी डिटेल आपने अभी फीड की है उसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। ईमेल पर प्राप्त लिंक पर क्लिक कर ईमेल वेरीफाई करेंगे तो यहाँ ईमेल के आगे वेरीफाइड प्रदर्शित होगा। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन में मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। ये दर्ज करते ही आपको यूनिट आईडी प्रदर्शित होगी, इसे नोट कर लें जो आगे आपके काम आएगी। अब आपके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का चरण पूरा हो गया है। इसके बाद बाईं ओर दूसरे चरण अप्लाई फॉर परमिशंस एनओसी लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सेलेक्ट एंटरप्राइज में आपको अभी जो आपने यूनिक आईडी ऐड की है ड्रॉप डाउन में यूनिट आईडी प्रदर्शित होगी, उसे सेलेक्ट करें। अब हम डिपार्टमेंट का चयन करेंगे। अगर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई से संबंधित उद्यम है तो डिपार्टमेंट में हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग का चयन करें। उस सर्विस का चयन करें जिसके लिए आप सब्सिडी या सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं। अब न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। अब आपको एक पॉपअप प्रदर्शित होगा। अगर अब तक आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है तो नीचे देयर इज अ नो नीड टू मॉडिफाई चेक बॉक्स पर क्लिक कर वैलिडेट करें। और अगर कुछ बदलाव करना है तो नीचे लाल रंग से प्रदर्शित चेक बॉक्स पर क्लिक कर यूनिट डिटेल में बदलाव करें। अब आपको पिछले परमिशन एप्लीकेशन पेज पर नीचे अभी दर्ज की गई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगी। इस पर एप्लीकेशन को फिल करने के लिए दाईं ओर फिल व्यू फॉर्म पर क्लिक करें। क्लिक करते ही जानकारी फेच की जाएगी। ये प्रोसेसिंग थोड़ा समय ले सकता है क्योंकि सर्वर पर डेटा के अनुसार ये आपका आवेदन लेगा। ये समय 5 से 15 सेकंड का हो सकता है और आपका ये आवेदन सीधे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के आवेदन पृष्ठ पर होगा। अब आपको उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का वेब पेज प्रदर्शित होगा। यहाँ लिखे इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस और फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 को पढ़ें और भविष्य में पढ़ने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। नीचे बॉटम में आएं, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इन्वेस्ट यूपी पर रजिस्टर्ड हैं? अगर इससे पहले आपने निवेश सारथी पोर्टल पर इन्वेस्ट यूपी में पंजीकरण किया है तो आपके पास इंटर्न कोड होगा जो उस दौरान ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ होगा, उसे दर्ज करें। और अगर आप निवेश सारथी पर पंजीकृत नहीं थे तो बिना इस पर क्लिक किए नीचे टर्म्स एंड कंडीशन चेकबॉक्स पर क्लिक करें और सेव एंड नेक्स्ट कर दें। अब आपके सामने एप्लीकेशन पेज प्रदर्शित होगा जिसमें आप सब्सिडी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ कुछ बेसिक डिटेल्स पहले से फिल दिख रही होंगी जो आपने पिछले चरणों में दर्ज की हुई थी। बाकी डिटेल्स यहाँ पर सूझबूझ के साथ सही सही दर्ज करें। नीचे ऐड डायरेक्टर्स पर क्लिक कर अपने उद्यम में जितने भी डायरेक्टर हैं उनकी संख्या दर्ज करें। सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर एप्लीकेशन की ए कैटेगरी डिटेल्स को सेव कर लें। नीचे कैटेगरी बी में प्रोजेक्ट डिटेल को दर्ज करें और सी कैटेगरी में प्रोजेक्ट कॉस्ट से संबंधित समस्त जानकारी दर्ज करें। ध्यान रखें, अगर आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म एक बार में भरने में असमर्थ हैं तो नीचे चेक बॉक्स पर बिना टिक किए अपडेट पर क्लिक करें जिससे आप कई बार एप्लीकेशन में चेंजेस कर सकते हैं। चेक बॉक्स पर टिक करके आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे देते हैं तो आपका आवेदन फाइनल होगा और विभाग को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जिसकी जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से भी भेजी जाएगी।